Shamshir and Shweta as principal. Suhail sahab, aaj main is school ki building girane aaya hu. इसलिए नहीं कि ये नजायज जमीन पे बनी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और इस स्कूल की पढ़ाई कभी मेरे काम नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। वैसे बुरा ना माने तो आपके बगल में जो बुलडोजर है मैं दो मिनट ले लूं। जस्ट किडिंग, वैसे मैं अपना बुलडोजर लेके आया हूँ। टैटेडन, आज ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा, चल मेरे बुलडोजर। खबरदार, खबरदार जो तुमने ये बुलडोजर आगे बढ़ाया तो। तो क्या बिल्डिंग डंडे से तोड़ दूं मैं? देखो, तुम ये बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, तुम्हारे पास ये बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर है। देखो मैडम, ऑर्डर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने का नहीं था, गिरा ना। और वैसे आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। ओहो, आपके पैर कहाँ है? पहले तो वो तोड़ू मैं। एक तो ये प्रिंसिपल होते ना टुच्चे प्रिंसिपल, एक पहले भी प्रिंसिपल था आपसे पहले, मनोहर लाल शुक्ला। साले ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट रखा था मनोहर लाल शुक्ला MA इंग्लिश प्लस इलेक्ट्रिशियन। तेरी वजह से मारते हैं टीचर तेरे स्कूल के बच्चों को। एक्सक्यूज मी, हमारे स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता। ये तो अभी मैंने देखा, एक बच्चा टांगों में से हाथ निकाल के बैठा था, वो क्या अंडा देने का शौकीन था? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पंडितों का बच्चा जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं यूज होता उसको मुर्गा बना के रखा है। उसको बनाना तो ग्रीन सैलड बनाओ उसका, और मेरे को मत समझाओ ये सब चीजें, मेरे को सब पता है। ये निशान देख रही हो? हाँ। ये लव बाइट है, इसके नीचे जो निशान है। Excuse me, यहाँ कोई लव बाइट नहीं है। डाल दो फिर। क्या? मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब मैं खुद स्कूल में बहुत बार पिटा हूँ, मैं तो खुद इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। क्या? तुम इस स्कूल में पढ़े हो? तो और इन तक मैं इतना बदतमीज़ से बन गया। 10 साल मेरे वेस्ट किए इन्होंने, कुछ ढंग का पढ़ाई नहीं, मेरे कोई काम नहीं आई पढ़ाई। 10 साल लग गए इनको मुझे कंप्यूटर सिखाने में, मुझे नहीं आया। आया मुझे तभी जब फेसबुक आई। क्या पढ़ाओगे तुम मुझे? अच्छा, ये जो तुम हवलदार बने हो, बिना पढ़े लिखे ही बन गए? ए अंधी, चश्मा उतार अपना, ध्यान से देख, इंस्पेक्टर हूं मैं, इंस्पेक्टर। और ये तेरी पढ़ाई की वजह से नहीं बनाऊ मैं? तेरी पढ़ाई की वजह तो पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। ए साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया, मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ, मैंने कहा एक मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। और मैंने उनको कहा सर देखिए मैं घर से निकला तो फूली हुई थी, रास्ते में कील लग गया, पंक्चर हो गई होगी। नहीं माने वो। ए हट, बिल्डिंग को गिरा के रहूंगा मैं। देखो, अगर तुमने ये स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी ना, तो हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कौन सा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? इस स्कूल में पढ़े बच्चे, साला कोई मटके वाली कुल्फी बेच रहा है, कोई जोड़ों के दर्द का तेल बेच रहा है, कौन सा भविष्य तेरा? जोड़ों के दर्द का तेल? अरे देखो, जैकी श्रॉफ हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा है। ए, जो टीवी पे तेल बेचते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बसों में तेल बेचते उनकी बात कर रहा हूँ। एक मेरा पुराना क्लासमेट मुझे मिला, मैंने कहा आजकल क्या करता है, कहता मेरा सोने का काम है। मैं यूं हो गया, मैं घर जाके देखा साला वाकई सो रहा था। देखो, तुम खुद स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, तुम अपने स्कूल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोनों भाई भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इतने बदतमीज हैं। जिस छोटे भाई को 4 साल पहले ये नहीं पता था दो और दो कितने होते हैं, कल मेरे को आगे कहता है सदर थाने वाला प्लाट मिला के और खेत मिला के 9 लाख मेरे हिस्से का बनता है, ये तूने सिखाया ना उसको? देखो, हमने तुम्हारे भाइयों को इतना ऊट पटांग नहीं सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। क्या अच्छी चीजें सिखाई तूने? कौन सी कपाल भाती सिखा दी तुमने? देखो, हमने आइंस्टाइन का लॉ सिखाया है, बताया है कि किस तरह सेब को गिरते हुए देखकर आइंस्टाइन को पता चला कि धरती में ग्रेविटी होती है और वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक बात बता मेरे को, ये सेब को गिरते ही देख के उसको क्यों समझ में आया? उस टाइम उसका दिमाग कहाँ था जब लोटा लेके बाहर हल्का होने जाता था, तब क्या सामान ऊपर जाता था? एक सेकंड, ये किताब दे इधर, किताब दे इधर, क्या क्या है? थस्टी क्रो, ये है सरकारी। एक तो इनका साला कौआ अभी तक प्यासा है इनका, क्या के कॉन्वेंट स्कूलों में देख, वहां के कौए ने अपने अपने फ्रिज रखे हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वही स्कूल में पढ़े बच्चे बड़े बड़े डायरेक्टर बनते हैं, सोहेल खान, सलमान खान। और हमारे स्कूल में पढ़े बच्चे नहीं, मतलब जज दोनों हैं लेकिन अपनी अपनी मार्केट वैल्यू होती है। ये स्कूल का हाल क्या बना रखा है तुम लोगों ने, सीढ़ियां सारी टूटी हुई तुम्हारी। देखो, हमारे स्कूल में सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे पिछले 4 साल से ऊपर ही हैं। मेरा मतलब है हमारे स्कूल में लिफ्ट है। लिफ्ट लगी हुई है,
तो कमरे क्यों नहीं ठीक बनवाए? रोज मैं देखता हूँ बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अरे कल को अर्चना बाल खोल के आ जाए, बच्चों को पता कैसे चलेगा कौन टीचर है कौन भूत है, ये हो क्या रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बाथरूम बनवाए तुमने? देखे बाथरूम अपने? है ही नहीं बाथरूम, सालों ने पिछली दीवार तोड़ के रेलवे लाइन अंदर ली हुई है। 9 से 12 कोई बच्चा हल्का होने नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता ये चीज रुक जाती शताब्दी नहीं रोकी जाती। और जो नए स्टूडेंट आए उनको बेचारों को पता नहीं शताब्दी की टाइमिंग का, कई बार चले जाते हैं फिर आधा काम करके भागना पड़ता है उनको। हट जा पीछे, आज ये SL सरकारी स्कूल गिरा के रहूंगा मैं। चला मेरे बुलडोजर। एक्सक्यूज मी, ये SL नहीं है, GL सरकारी स्कूल है। तुमने खा खा मेरा टाइम वेस्ट किया, तुम्हें पता है कितने पीरियड्स वेस्ट हो गए मेरे? सॉरी। एक्सक्यूज, कम हियर, यहाँ खड़े रहो यहाँ पर। तुम इस तरह मुंह लटका के नहीं जा सकते। जाने से पहले ना तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन से सवाल का? बताओ आगरा किस लिए मशहूर है? अच्छा, ये बार बार आगरा क्या क्या मतलब हुआ? मतलब तुम जब बार बार ये सवाल पूछते हो तब तो अर्चना बड़ा ही हंसती है। आज मैं ये सवाल पूछूंगी तब देखती हूँ कि अर्चना हंसती है कि नहीं। तो बताइए अर्चना, क्या इन्होंने आपको आपके स्कूल की याद दिलाई कि नहीं? श्वेता, यू ऑलवेज लुक द पार्ट, जो भी कैरेक्टर आप करती हैं आप वैसी लगती हैं, एंड ऑफ कोर्स द टैलेंट इज अनडाउटेड। कपिल, यू आर वंडरफुल एज यूजुअल। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक कहावत है इंग्लिश में अबाउट वुमेन लविंग गाइज इन यूनिफॉर्म। आई एम अ वुमन, यस आई एम, मूंछों के साथ, सो व्हाट, बट आई लव यू इन योर यूनिफॉर्म। यू लुक वेरी सेक्सी एंड यू डिड वेरी वेल। थैंक यू मैम। सहेल, आप इनके स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? श्वेता डार्लिंग, अगर आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हो ना तो मतलब मैं इस स्कूल में फेल होता रहूंगा, मैं कभी पास ही नहीं होऊंगा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल एक्ट्स। जो अब मजा आप लेते हो कपिल, मैंने किसी को ये मजा लेते हुए नहीं देखा है। फंटास्टिक है। तो देखते हैं कि श्वेता कपिल आपको इस बार क्या नंबर मिलते हैं। अर्चना, खास तौर से आज शमशेर के लिए। थैंक यू मैम। सहेल, Mantra as martial arts teacher and Vishakha as student. जजेस को एलिमिनेट कर दिया। वेलकम टू मंत्रास मार्शल आर्ट स्कूल। सेल्फ डिफेंस हम सब की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कईयों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है, परमीत को भी। जी हाँ, परमीत जो कि अपने घर में जाकर अपनी बीवी से कहता है मैं मार्शल आर्ट सीख कर आया हूं, वो कहती है तो क्या हो गया, तुमने मार्शल आर्ट किया है? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। याद रखिएगा, ये मार्शल आर्ट्स हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स बच्चे डेफिनेटली नहीं कर सकते। और हाँ, ओ, 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 अगर गलत जगह पे चोट लग जाए तो आप भी बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्शल आर्ट में मैं आपको बनियान उतारना सिखाऊंगा। ऐसे पकड़िए, ये देखिए बनियान उतर गई। मेरे स्कूल में स्टूडेंट भी आएगा, आएगा जरूर आएगा। परेशान मत हो, यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, खुल के बताओ। अबे खुल के बताने बोला, फैल के बताने नहीं बोला, क्या है प्रॉब्लम, क्या बताओ? गुरुजी, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। कैसे दिन आ गए, आजकल के नौजवान कैसी कैसी वस्तुओं को छेड़ते हैं। सोच रहे हैं आप, आजकल के भवरे फूल पर बैठने के बजाय गोभी के फूल पर बैठ रहे हैं। मैंने तो शादी नहीं की अब तक। अब तक से क्या मतलब है तुम्हारा? अब तक 56
बहन क्या मर देख चुकी हूँ, कोई भी पसंद नहीं आया। अबे तो मैंने क्या यहाँ मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं मेरे पास क्यों आई है तू? सर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर, मुझे कुंग फू सिखाओ। कुंग फू? अच्छा फू बाई फू से सीधा कुंग फू है? अच्छा है। वैसे तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो ना हो, लेकिन तेरा नाम जरूर रोशन होगा। आज से मेरी ये नई डिसाइपल, इसका नाम होगा कुंग फू पांडा। सर मजाक मत करो ना, मुझे कुछ सिखाओ ना, मैं सीखने आई हूँ सर। अरे ऐसा कैसे सिखा दूं यार, इसके लिए बेसिक्स आना चाहिए। तुम्हें कराटे आते हैं? हाँ रात में आते हैं, डॉक्टर ने बोला 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। मेरी माँ, मैं कराटे नहीं कराटे बोल रहा था, तेरे को कराटे आते हैं? नहीं आते, आपको आते हैं? नहीं मैं यहाँ मौसमी जूस बेचने आया हूँ। पागल, ये इतने सालों की मेहनत के बाद ये ब्लैक बेल्ट मिला है। अच्छा ये तो 50 रुपए में अंदर स्टेशन की तरह मिल जाता है। इसके लिए खाली पकड़ इतनी मेहनत क्यों की? 50 रुपए ये तेरे को अंदर स्टेशन वाला बेल्ट दिख रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मटेरियल है, लोखंड वाला से लाए। चुप कर, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। चलो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये पहनो। ए भैया कोई दूसरा कलर नहीं है क्या? अबे मैं क्या ठेले पे 200-200 रुपए की टी शर्ट बेच रहा हूँ, दूसरा कलर चाहिए तेरे को? सर ये सफेद, ये कैसे बेच सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा है अभी। ए, जो मैं बोलूंगा तेरे को करना पड़ेगा, मैं गुरु हूँ और तू शिष्य है, जो मैं बोलूंगा मानेगी? आप कह के तो देखिए सर। चलो लंबी सांस लेने को तैयार हो जा। अबे क्या कर रही है, थोड़ा धीरे सांस फेंक, मैंने तूफान फेंकने नहीं बोला था, उस तरह मुंह करके कर। धीरे खींच, तेरे से कॉमेडी होती नहीं है, ये तो ढंग से कर ले। अबे 27-28 एपिसोड से यही कर रही हूँ, मैंने सोचा कुछ अलग कर ले। पहले डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अपनी कमर की पेटी कस के बांध लो। हाँ, हाँ, इसके आगे मुझे पता है, विमान में 2 द्वार होते हैं, एक आपके आगे और एक आपके पीछे होता है। हाँ, और 4 द्वार एलिमिनेशन के हैं। और आपातकालीन स्थिति में ये हमें पैराशूट नहीं देंगे, धक्का देंगे। अबे तू क्या कर रही है? सर आपने बोला ना कमर की पेटी कस के बांध लो, मुझे लगा अभी विमान उड़ाओगे। अरे ये मार्शल आर्ट्स है, इससे विमान नहीं उड़ता, दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, मालूम है? देखेगी ये देख ये। I love you for this, sir. मुझे 6 महीने दे, तेरे को बाप बना दूंगा मैं। सर और 3 महीने दिए, आप मुझे मास्टर बना दो सर। पागल हो गई है तू, मास्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई टाइम की मेहनत लगती है। हाँ हाँ सर करेंगे ना, मेहनत करेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें शैडो सिखाता हूँ, शैडो सीखने का। हाँ, आई शैडो बना दो और फिर ना मेरे वैक्सिंग भी करा दो। तू वैक्सिंग मत करा, जंगल कटाई पाप है पगली। मंत्रा! क्या हुआ? हार झालाता। अब मैं बनूंगी जंगली बिल्ली। अबे बिल्ली का तो पता नहीं, जंगली तू जरूर लग रही है, देख कंट्रोल कर अपने आप को। हमें 10 नंबर मिल गए, हमें 10 नंबर मिल गए। नहीं सर, सोहेल भाई मुझसे तो उठते बनेगा नहीं, आप ही उठ जाओ और कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाना अच्छी तरीके से, जाले वाले भी साफ कर देना, बाकी के नंबर आपके हाथ में। बस बस अब कैरेक्टर से बाहर भी आ जाओ, और अर्चना आप कैरेक्टर में आ जाइए, बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट? मुझे इस एक्ट में 3 चीजें बहुत पसंद आई। एक तो विशाखा आपकी जो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी थी, एक क्यूट लड़की और एक चालू लड़की, वेरी वेल डन। मंत्रा आपकी एंट्री वॉज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, आप में ये टैलेंट है आई डिडंट नो, यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स, हाँ, और वो सब हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं, वेरी वेल डन। सुहेल सुपर्ब यार। विशाखा, इट्स आप एज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम मंत्रा, आपने जो एक ये एक्ट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड बाई मंत्रा, बिकॉज फिजिकल मूवमेंट बहुत थी, उनको करने को बहुत कुछ मिला, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड, एंड बहुत सारा फिजिकल मूवमेंट था इस एक्ट के अंदर, मतलब बॉटल्स ब्रिक्स, और इट वॉज अ वेरी इंटरटेनिंग एक्ट, सो कंग्रेचुलेशन। तो चलिए हमें खुश कर दीजिए नंबर्स देकर, कितने मार्क्स देंगी अर्चना? 9 for you today. 9 points. 9 points.
लाफ्टर का ये स्कूल तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी जोड़ियां कॉमेडी के कई और चैप्टर्स लिखेंगी। तो हंसी की इस क्लास में अटेंडेंस देने के लिए फिर मिलते हैं। कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़ पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।